नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश राजपूत, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इन काइनॉस हॉस्पिटल एट रोहतक। आज आपसे डायबिटीज़ या शुगर के मरीजों में व्याप्त भ्रांतियाँ या जिसे हम इंग्लिश में मिथ्स बोलते हैं, मिथ्स इन डायबिटीज़, उसके बारे में बात करूँगा। मिथ नंबर वन, आमतौर पर हमने ये देखा है, लोग ये मानते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसा सच नहीं है। यदि ऐसा सच होता तो संसार में शुगर तो हर आदमी खाता है और कम ज़्यादा प्रोपोर्शन में खाता है, तो शायद ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ उन लोगों को होती है जो मोटे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और जिनके अंदर फैमिली में माता पिता या फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को शुगर की बीमारी है। ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको लिपिड की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। यदि ये रिस्क फैक्टर आपके अंदर हैं तो आपको शुगर की बीमारी होने की संभावना है। मिथ नंबर दो, आमतौर पर ये देखा गया है कि जब डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए शुगर नहीं खानी है, तो मरीज शुगर की जगह शहद, बूरा या गुड़ का सेवन चालू कर देते हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती। वो ये सोचकर ये खाना चालू करते हैं कि चीनी से तो शुगर में नुकसान हो रहा है, पर ये शायद डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेफ अल्टरनेटिव है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, डायबिटीज़ के मरीजों को चीनी, गुड़, बूरा और शहद तीनों से ही परहेज करना है। यदि आपकी मीठा खाने की क्रेविंग या इच्छा इतनी ज़्यादा है तो इन चारों चीज़ों की जगह इसके सब्स्टिट्यूट्स आते हैं जो आपका चिकित्सक आपको बताएगा। भ्रांति नंबर तीन या मिथ नंबर थ्री, आमतौर पर मरीज ये सोचते हैं कि अब हमने दवाई चालू कर दी है तो हमें डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में चार इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे कुर्सी के चार पाए होते हैं, उसमें एक है डाइट, एक एक्सरसाइज, एक एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग और एक ड्रग्स। तो ड्रग्स लेते हुए भी आपको डाइट और एक्सरसाइज का परामर्श मानना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने में सहायक सिद्ध होगा। और भ्रांति नंबर चार या मिथ नंबर फोर, ये देखा गया है कि मरीज आमतौर पर इस भ्रांति के साथ जीते हैं कि अभी तो मेरी शुगर की शुरुआत हुई है तो मुझे अभी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में 10% तक लोगों में जिस समय शुगर डायग्नोस होती है उसी समय शुगर का असर हमने देखा है किसी न किसी अंग पर दिख सकता है। और इसके अलावा पूरे संसार में इस समय नॉन ट्रॉमेटिक लेग एम्पुटेशन, मतलब एक्सीडेंट के बिना टांग कटने का सबसे बड़ा कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। नजर जाने का सबसे बड़ा कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। गुर्दे खराब होने का सबसे बड़ा कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी अवस्था में हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। तो कृपया कर डायबिटीज को एक सीरियस बीमारी माने जिस दिन से आपको पता चलती है और इसके दोस्त बने। जब आप दोस्त बन के और सही सलाह लेके इसका उपचार करेंगे तो आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन भ्रांतियां हैं जो मैंने आज आपसे डिस्कस करी। तो जब आगे से इनका ध्यान रखें और अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखें। धन्यवाद।